Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करेंगे. आज एक दफ़ा फिर स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव स्टार्ट लिया पिछले कुछ सेशंस की तरह, और इनिशियल टू आवर्स जो है मार्केट एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड हुई. और उसका मेन रीज़न टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हेल्थी एक्टिविटी थी, जिसमें वॉल्यूम्स भी बेहतर थे और प्राइस गेन भी हुआ. और स्पेशली टीआरजी की बात करेंगे, लास्ट सेशन की तरह आज भी टीआरजी में एक एग्रेसिव बाइंग इंटरेस्ट देखा गया और अच्छे क्वांटिटी में इसमें शेयर्स ट्रेड हुए. दो घंटे की पॉजिटिव मार्केट के बाद मार्केट ने स्लाइड डाउन करना शुरू किया और इवेंचुअली नेगेटिव जोन में मार्केट एंटर हुई. और उसके बाद थ्रू आउट द सेशन मार्केट नेगेटिव जोन में ही ट्रेड होती रही और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मार्केट 86 पॉइंट्स कमी के साथ 41,862 के लेवल पे क्लोज हुई. मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था, उसकी वजह से एक लैकलस्टर सेशन ही देखने में आया. टोटल 116 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि लास्ट सेशन से 21% कम था. और ट्रेडेड वैल्यू जो थी वो भी 5.4 बिलियन रुपीस की थी, जो कि लास्ट सेशन से 24% कम थी. और वॉल्यूम लीडर्स में आज HPL टोटल ट्रेजरी ETF लिस्ट हुआ, फर्स्ट डे था ट्रेडिंग का, उसमें 45 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. TRG में 15.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि WTL जो है उसमें 9.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आज अप्रॉक्सीमेटली 34 बिलियन रुपीस से डिक्लाइन की, उसमें कमी देखी गई. और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो आज ट्रेड हुई वो 323 थी, उनमें से 102 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 203 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई, जबकि 18 कंपनीज जो हैं वो अनचेंज रहीं. इंटरनेशनल मार्केट्स में एक दफ़ा फिर पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है. लास्ट वर्किंग डे पे US मार्केट्स 1-2% के गेन के साथ क्लोज हुई और US की फ्यूचर मार्केट्स में भी गेन देखा जा रहा है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद रेगुलर मार्केट ओपन होगी. एशियन मार्केट्स भी आज अप्रॉक्सीमेटली 1% के करीब पॉजिटिव रहीं, जबकि यूरोपियन मार्केट्स जो कि अभी स्टिल ओपन हैं उनमें 1.5% तक का गेन देखा गया है अभी तक. क्रूड ऑयल जो है ये भी पिछले दो दिन से पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है और आज भी इसमें थोड़ा इजाफा देखने में आया है. करंटली 87 से 87.50 की रेंज में ट्रेड हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ आ सकता है और ये इसका करंट रैली का टॉप लग रहा है. डॉलर में आज 7th कंसेक्यूटिव डे अपसाइड देखने में आई. पाक रुपी वंस अगेन प्रेशर में रहा फ्रॉम द डे स्टार्ट, और डे एंड के ऊपर ये 1.64 रुपये की कमी के साथ 229.82 रुपीस के ऊपर क्लोज हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 235 से 237 में ये ट्रेड हो रहा है, विच इज़ 7-8 रुपीस हायर देन द इंटरबैंक रेट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इकॉनमी साइड, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कोई भी फ्रेंडली कंट्री जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंशली सपोर्ट नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द इम्बेलेंस्ड इकॉनमी एंड द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज को रोक रहा है पाकिस्तान को फर्दर फंडिंग करने से. इसके अलावा जो डीरेगुलेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, उस पे जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उन्होंने बड़ा नेगेटिवली उसको रिएक्ट किया है और इसको रिजेक्ट किया है करंट मैकेनिज्म को जो कि ओग्रा ने प्रपोज किया है. और उन्होंने थ्रेट भी किया है कि अगर इस फॉर्मूले को चेंज ना किया गया तो वो कंट्री वाइड स्ट्राइक की कॉल भी दे सकते हैं. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है
उसको गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि जो ऑलरेडी कमिटेड 750 मिलियन डॉलर्स की करंट फिस्कल ईयर की फंडिंग है उसको इंक्रीज करके 1 बिलियन डॉलर कर दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि 250 मिलियन डॉलर्स जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए ऑलरेडी कमिटेड अमाउंट में से। सो लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट। और लास्टली जो यूएन सेक्रेटरी हैं उन्होंने लास्ट वीक में पाकिस्तान विजिट किया टू सी द फ्लड अफेक्टेड एरियाज़, और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि पाकिस्तान को फर्दर सपोर्ट किया जाए फ्लड हिट एरियाज़ की वजह से, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उनको दोबारा से नॉर्मल लिविंग में लाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।